बैंक में पीओ कैसे बने, पूरी जानकारी। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बने। इसे हिंदी में जाने तो इसे हिंदी में प्रमाणीकृत अधिकारी भी कहते हैं। जॉब का सबसे ज्यादा क्रेज बैंकिंग सेक्टर को लेकर रहता है। पिछले साल की बात करें तो बैंक में नौकरी के लिए करीब 1.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक में नौकरी के लिए कितने लोग उत्साहित रहते हैं। आज के इस दौर में हम इस वीडियो में बताएंगे कि बैंक में पीओ बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें कितनी परसेंट की जरूरत होती है और कितनी बार आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर आप भी बैंक में पीओ कैसे बने इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कि बैंक में पीओ कैसे बने, इसकी आयु सीमा क्या होती है। बात करें इसकी आयु सीमा की तो इसको लेकर ज्यादातर स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है। तो आपको बता दें, जनरल के लिए 20 साल से 30 साल, ओबीसी के लिए 20 साल से 33 साल, वहीं एससी एसटी के लिए 20 साल से 35 साल की समय सीमा होती है। अगर आप एक एक्स सर्विस मैन हैं या जम्मू कश्मीर से हैं तो आप इसके अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। अगर आप में फिजिकली डिसेबिलिटी है तो इसकी अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। ठीक है साथियों, में पीओ बनने की योग्यता क्या होती है। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की, तो सबसे बेस्ट पार्ट है इसके लिए आवश्यक योग्यता। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बैंक में पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आपने मेडिकल किया हो या फिर इंजीनियरिंग की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई भी परसेंट की जरूरत नहीं होती, बस आपको किसी डिग्री में पास होना चाहिए। अगर आप में ये योग्यता है तो पीओ भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टॉपर ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बने, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो साथियों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया की। इसकी भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहले इसमें प्री एग्जामिनेशन होते हैं, इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जाम, फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। आप इनमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी पेपर हिंदी या इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं। ये 3 पेपर एक साथ 1 घंटे में होते हैं। यह केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसके मार्क्स मेंस परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, केवल क्वालिफाइंग, आपको केवल पास करना होता है पेपर। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। इस दूसरे चरण में ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि इसके नंबर ही काउंट होते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 5 पेपर होते हैं, पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, दूसरा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा होता है इंग्लिश भाषा का, चौथा होता है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। और इन चारों पेपर के लिए 3 घंटे का समय होता है। वहीं इनके बाद 5वां पेपर इंग्लिश भाषा में होता है, जिसमें आपको निबंध और लेटर लिखना होता है। इसमें आपको 30 मिनट का समय मिलता है। ठीक है साथियों, अब बात करें, एक बात आपको ध्यान रखना है कि हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक कट जाते हैं। मतलब अगर आप उत्तर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उत्तर नहीं दे। जो स्टूडेंट मेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू अलग अलग बैंकों द्वारा IBPS की मदद से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरव्यूज के मार्क्स और मेंस एग्जाम के मार्क्स पर तय होता है कि पीओ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। लेते हैं बैंक में पीओ की सैलरी क्या होती है। अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं या बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सैलरी की जानने की बड़ी उत्सुकता होगी। तो हम बात कर लेते हैं सैलरी की, कितनी क्या होती है। ठीक है साथियों, अब इसमें पद के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो चलिए जानते हैं। तो पीओ, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर की 23,000 से 42,000 रुपए होती है। वही मैनेजर की 31,000 से 45,000 रुपए, सीनियर मैनेजर की 42,000 से 51,000 रुपए, चीफ मैनेजर से 50,000 से 59,000 रुपए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 59,000 से 66,000 रुपए, डिप्टी जनरल मैनेजर की 68,000 से 76,000 रुपए,
जनरल मैनेजर की 76,000 से 85,000 रुपए, वहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए से अधिक होती है। चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी की सैलरी होती है 2 लाख रुपए से अधिक सैलरी। अब बात कर लेते हैं बैंक में पीओ बनने के बाद पदोन्नति कैसे होती है। पीओ बनोगे उसके बाद आपके आगे की जो पद उन्नति होती है वो कैसे होती है। अब आप जानना चाहते होंगे पीओ का एग्जाम पास करने के बाद किस चीज की नौकरी मिलती है। तो बैंक में जितने भी मैनेजर डिप्टी मैनेजर होते हुए पीओ एग्जाम पास करने के बाद इन पदों पर आते हैं। कुछ साल की नौकरी और प्रमोशन के बाद यही लोग के जीएम और चेयरमैन की नौकरी तक पहुंचते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं।